तस्वीर थोड़ी पुरानी हो सकती है, लेकिन बिहार में बच्चों की यही तस्वीर है। कुछ महीने पहले ही बिहार के 200 बच्चों को भरतपुर राजस्थान से छुड़ाया गया था। बाल श्रम मिटाने के सरकारी दावों और वायदों के बीच खुद बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष बताते हैं कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बच्चों में पलायन दोगुनी गति से बढ़ा है। जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर के बनते हैं उनसे दुगने और तिगने रूप में बाहर जा रहे हैं। वो अगर कहेंगे तो मैं नहीं चैलेंज करूँ, वो स्वयं उनका रिपोर्ट है हर साल। और जो हर हमें से देखेंगे, जयपुर से 200 बच्चे आए, तो लुधियाना से बच्चे आए, अब वो नहीं करके अब बॉम्बे से बच्चे आते हैं 400-500 की संख्या में, और कटिहार से, अररिया से और किशनगंज से वो बच्चे जा रहे हैं। पुलिस देख रही है, बाकी कर रही है। बिहार में बाल श्रमिकों की समस्या को लेकर आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ है। बाल कल्याण समिति के दीपक कुमार बताते हैं कि हर महीने उनके पास 8-10 बच्चे आते हैं, जिसको बाद में उनके माँ बाप को सौंप दिया जाता है। लेकिन चूंकि सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है, इसलिए फिर से यही बच्चे बाल श्रमिक बन जाते हैं। अभी तक सर्वे हुआ ही नहीं, सर्वे नहीं हुआ और हम राज्य कार्य योजना बना दिए। अरे राज्य कार्य योजना बनाई, पहले हमारा लक्ष्य है कितने लोगों को, आज तक ये पता ही नहीं चला। सब लोग हवा में मार रहे हैं कि 11 लाख बच्चे हैं। तब धावा दल के द्वारा 8-10 बच्चों को निकाल के लाया जाता है और हमारे यहाँ इसको उपस्थित किया जाता है, और दूसरे तीसरे दिन इनके इन बच्चों की माँ आती हैं। और चूँकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है कि अगर बायोलॉजिकल मदर फादर आते हैं तो आप सबसे पहले उस बच्चे को उनको सुपुर्द कर दीजिए, उनसे उनका एक लिखवा करके ले लिया जाता है और बच्चों को उनकी माँ बाप को सुपुर्द कर दिया। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने भी बिहारी मजदूरों पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक गया से बच्चों को विदेशी एजेंट ही माँ बाप को ऊंचे सपने दिखाकर ले जाते हैं। साथ ही रिपोर्ट सरकार के इन दावों की भी धज्जियां उड़ाती है कि पलायन कम हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पलायन कम नहीं हुआ है, बल्कि पंजाब मुंबई जाने वाले मजदूर अब अच्छी मजदूरी के लालच में गुजरात और अंडमान निकोबार सरीखी जगह जाने लगे हैं। बच्चों को बाल श्रमिक बनने से रोकने के लिए ठोस नीति की जरूरत है, लेकिन इस सरकार ने एक आयोग बनाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली है। दिलचस्प है कि इस बाल श्रमिक आयोग की कोई नियमावली नहीं है और बिना बाल श्रमिकों की संख्या जाने बिना उनके लिए योजनाएं भी तैयार की गई हैं। यानी बिहार में बाल श्रम के नाम पर सब कुछ हवा हवाई है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ सीटू तिवारी, RN News, पटना।